जय किसान साथियों, डॉक्टर पुनीत सिसोदिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो, जैसा कि आप जानते हैं, धनुका कंपनी के कोनिका के बारे में होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपका जरूर थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम जो भी जानकारी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं, हम उससे पहले उसके बारे में गहरी रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो ट्रायल्स करते हैं, और ट्रायल्स के बेसिस पे जो हमें और रिसर्च के बेसिस पे जो अनुभव प्राप्त होते हैं, उनको हम आपके साथ साझा करते हैं। मेरा कहने का मतलब है, हम जो भी जानकारी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं, वो 100% सटीक और सच्ची होती हैं। आप उन पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं, वो एग्रीकल्चर से संबंधित होती है। बहुत से किसान भाई वीडियो को आधा देखते हैं, पूरा नहीं देखते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, चाहे आपके खेत में फ़िलहाल प्रेजेंट में वो समस्या है या नहीं है। यदि वो अभी समस्या नहीं है, यदि आज उसको आप देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं, वो फ्यूचर में समस्या आती है तो आप उसको पहले से पहचान लेंगे अपने खेत में और उसका जल्दी से उपचार कर लेंगे। या हम प्रिकॉशंस के बारे में भी आपको बताते हैं जिससे खेत में वो समस्या ना आए। तो हम जो भी वीडियो आपको बताते हैं, उसको अच्छे से देख लीजिए। वो अभी नहीं तो फ्यूचर में आपके काम ज़रूर आएगी। यदि आप एग्रीकल्चर से संबंध रखते हैं, खेती करते हैं, आप किसान हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए हम बात करते हैं कोनिका के बारे में, जिसको धनुका कंपनी बनाती है। इसमें कोनिका में जो केमिकल होते हैं, कासुका माइसिन 5% प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% WP फॉर्म में आता है, यानी कि वेटेबल पाउडर के फॉर्म में ये आता है। ये सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट दोनों तरीके से हमारे पौधों पर काम करता है। यह फंगल और बैक्टीरियल दोनों तरह के रोगों को नियंत्रित करता है, यानी कि यदि हमारी फसल में फंगस जनित रोग है तो उसकी भी ये रोकथाम करता है, और बैक्टीरिया जनित रोग है तो उसकी भी रोकथाम ये करता है। कभी कभी क्या होता है कि हम फसलों में नहीं पहचान पाते हैं कि बैक्टीरियल डिजीज है या फंगस से जनित डिजीज है, तो हम उस सिचुएशन में हम इसका यूज कर सकते हैं। वो चाहे फंगस का हो या बैक्टीरिया का हो, वो उसकी रोकथाम कर देगा। तो यदि हम कंफ्यूज रहते हैं, किसी डिजीज़ के बारे में नहीं क्लियर हो पाता है कि ये बैक्टीरियल है या फंगस जनित है, उस सिचुएशन में आप इसका यूज कर सकते हैं, ये काफ़ी बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ जब हम इसका स्प्रे फसलों पर कर देते हैं, तो ये हमारी फसलों पर 14 से 15 दिनों तक काम करता रहता है। यदि बात करें कौन कौन से रोगों के लिए बेहतर रहता है, तो जितने भी बैक्टीरिया जनित रोग हैं हमारी फसलों पर, हम सबके लिए इसका स्प्रे कर सकते हैं। किसी भी फसल पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। बैक्टीरिया जनित, जैसे बैक्टीरिया लीफ स्पॉट, नेक ब्लास्ट जो धान में आता है, या ब्लास्ट रोग, और बैक्टीरियल विल्ट, आप उसके लिए भी और अन्य बैक्टीरिया जनित रोगों के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। उसके साथ साथ जो हमारे फंगस रिलेटेड रोग आते हैं, उनकी रोकथाम के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है, जैसे एंथ्रेक्नोज और डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, इसके साथ साथ और अन्य रोगों की भी रोकथाम में फसलों पर करता है, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। यदि हम इसकी डोज की बात करें, तो इसको हमें 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फसल में डालना होता है, यानी कि 1.5 से 2 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर हम इसका स्प्रे फसलों पर कर सकते हैं। ये फसलों पर प्रोटेक्टिव और क्यूरेटिव दोनों तरीके से काम करता है, यानी कि यदि आपकी फसल पर रोग नहीं है अभी और आप इसका स्प्रे करते हैं, तो ये फसलों में रोगों को नहीं आने देता है। उसी तरीके से यदि फसल में रोग आ गया है तब भी आप इसका स्प्रे करते हैं, तो ये उसको भी रोग को ठीक करता है। तो ये काफ़ी अच्छा है इसका, और इसका जो ये काम करने का तरीका है, काफ़ी बेहतर है। आप इसका यूज ज़रूर करके देखें और हमें ज़रूर बताएं। यदि आपने पहले से कोनिका का यूज किया है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।